हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, आज 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा पूजनी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा प्रारंभ हो चुकी है। यह कथा दर्शकों नासिक जिले में महाराष्ट्र में यह कथा हो रही है। यदि आप भी इस कथा को सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से और टीवी पे आस्था चैनल पे दोपहर 1 बजे से लेके 4 बजे तक आप इस कथा को सुन सकते हैं। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा श्राद्ध पक्ष में हो रही है। यह कथा प्रारंभ हुई है आपकी 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक लेके यह कथा होगी। यदि आप इस कथा को मात्र क्षण भर भी सुन लेते हैं तो आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में जो कथा होती है वो आपके जीवन में आनंद और सुख को प्रदान करने वाली होती है। दर्शकों, इसी कथा के बीच में आपकी मासिक शिवरात्रि पड़ेगी। मासिक शिवरात्रि के दिन आपको पूजनीय पंडित जी बहुत ही विशेष 2 उपाय बताए हैं, जो आपको हम इसी वीडियो के अंत में करके समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। दर्शकों, यदि जिस भाई बहन की शादी में दिक्कतें आ रही, शादी नहीं हो रही है या संतान का सुख नहीं है, नौकरी नहीं लग रही है, तो आप मासिक शिवरात्रि के दिन इस उपाय को जरूर करें। यह इस बार की जो मासिक शिवरात्रि है बहुत ही खास है, क्योंकि इस बार की मासिक शिवरात्रि के दिन श्राद्ध पक्ष में है तो पितृलोक भी महादेव की पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, तो ऐसे में आप मासिक शिवरात्रि के दिन इस उपाय को जरूर करिएगा। आज की कथा यदि आप किसी कारणवश नहीं सुन पाए हैं तो इस छोटे से वीडियो में हम संपूर्ण कथा का सार, उपाय और जो भी पत्र आए हैं हम आपको संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में दे देंगे। तो आइए दर्शकों, अब हम चलते हैं आज की पहली जानकारी की तरफ। आज की पहली जानकारी है दर्शकों, यदि आप इस कथा को मात्र क्षण भर भी सुन लेते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है महादेव आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। दर्शकों, यदि आप इस कथा को टीवी के माध्यम से सुनते हैं या पंडाल में बैठ के सुनते हैं तो आप पंडाल में अपने पितरों का फोटो अपने साथ में अवश्य लेके जाइएगा। यदि आप अपने घर पे आस्था चैनल पे या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अपने हाथ में 1 चावल का दाना रख के इस कथा को सुने। जब आपकी कथा संपूर्ण हो जाए, समाप्त हो जाए, तो उस चावल के दाने को आप अपने रसोई घर में जहां पे पानी रखते हैं मटके के समक्ष उस चावल के दाने को रख दीजिएगा, अपने पितरों का स्मरण करके, ध्यान करके। अब चलते हैं दर्शकों आज की पहली जानकारी। पत्र आया था एक बहन का, तो पहले हम पत्र देख लेते हैं, उसके बाद उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। एक पत्र आया था जिनके पति का हालत बहुत खराब था। 6 महीने से उनके पति को डायलिसिस हो रहा था, परंतु उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। एक दिन उन्होंने टीवी के माध्यम से पूजनी पंडित जी की कथा सुनी और कथा में पूजनी पंडित जी ने उन्हें रुद्राक्ष का उपाय बताए। वो बहन अपने पुत्र को सीहोर भेज के रुद्राक्ष मंगाई और प्रत्येक दिन उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में रात्रि में भिगो कर रख दिया और सुबह उस जल को भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे चढ़ा के अपने पति का उसी जल से थोड़ा सा आचमन कराना प्रारंभ कर दी। मात्र 15 दिन में ही उनके शरीर में परिवर्तन प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य ठीक हुआ, डायलिसिस बंद हो गए। दोनों पति पत्नी आज इस कथा में पहुंचकर पूजनी पंडित जी का धन्यवाद दिए और ढेर सारा आशीर्वाद भी प्राप्त किए। अब चलते हैं दूसरे पत्र की तरफ। दूसरा पत्र नहीं था, पूजनी पंडित जी के मोबाइल पे मैसेज आया था और आज की कथा में बहन पंडाल में भी आई, जो 2 साल से कोमा में थी। उन्हें डॉक्टर ने कह दिया था कि ये पूरे जिंदगी इसी तरह से रहेंगी, इनके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये कोमा में रहेंगे। परंतु उनके घर वाले ने सीहोर का और जो रुद्राक्ष है उसका जल बच्ची को पिलाना प्रारंभ किए और प्रत्येक दिन उनके घर के लोग भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे जल चढ़ाना प्रारंभ किए। वो आज उठकर पंडाल में कथा सुनने के लिए आई थी और पूजनी पंडित जी को बहुत सारा धन्यवाद भी दिए। अब हम चलते हैं दर्शकों, शिवरात्रि के दिन 30 सितंबर को शिवरात्रि पड़ रही है, तो शिवरात्रि के दिन आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। जिस भाई बहन की शादी में दिक्कतें हो रही है, शादी नहीं हो रही है, तो उनके लिए यह उपाय बहुत ही विशेष है। नौकरी के लिए आप परेशान हैं तो भी आपके लिए श्राद्ध पक्ष की जो शिवरात्रि है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप उपाय जरूर करिएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं नौकरी के लिए। नौकरी के लिए दर्शकों आप प्रदोष काल में मासिक शिवरात्रि, श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि,
30 सितंबर को पड़ रही है। आप अपने घर से एक लोटा जल और साथ में श्वेत पुष्प, मात्र एक श्वेत पुष्प भी यदि आप भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे एक लोटा जल समर्पित करके एक श्वेत पुष्प अपनी कामना करते हुए समर्पित कर देते हैं तो 3 महीने में आपकी नौकरी अवश्य लग जाएगी। अब दूसरा उपाय, शादी में यदि दिक्कतें आ रही हैं तो आप एक जल के पात्र में जल भरे और थोड़ा सा गाय का घी, घृत होना चाहिए गाय का, उसे ले जाके भगवान शंकर जी की शिवलिंग पे यदि आप समर्पित कर देते हैं मासिक शिवरात्रि के दिन 30 सितंबर को, तो आप 3 महीने के अंदर ही लड़का लड़की का विवाह फिक्स हो जाएगा। तो आप यह तो उपाय मासिक शिवरात्रि के दिन अवश्य करें। और दर्शकों, मासिक शिवरात्रि के दिन दीप दान का भी बहुत ही विशेष महत्व होता है। यदि आप मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर जी के मंदिर में प्रदोष काल में घी का दीप लगाते हैं और एक घी का दीप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाते हैं तो आपके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं आएगी, आपके व्यापार में वृद्धि होगी। तो आप इस विशेष उपाय को जरूर करें। और जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें।